सर भाई अरे वाह यस सी हम तो जुड़े हुए हैं फिल्म से सो बट उसके बाद भी मैं बहुत भावुक हूँ बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी ऑनर्ड दैट वी आर एसोसिएटेड विद मदारी एज पूजा फिल्म एंड इरफान सर की एक्टिंग के बारे में मैं जितना कम कहूँ उतना बेटर है बिकॉज वो तो मतलब हर फिल्म से और बेहतर होते जा रहे हैं तो मैं अगर कहूँ इरफान खान ने अच्छी एक्टिंग की तो वो एक्चुअली मजाक लगेगा बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस थिंग लेकिन उन्होंने जो दिल को छुआ है और जैसे अपने कैरेक्टर को अप्रोच किया और जो फादर और सन का रिलेशनशिप है इट्स अमेजिंग मैं तो कहूँगा कि पीएम साहब को मोदी साहब को दिखानी चाहिए फिल्म और ये फिल्म यू नो मैंने ये पहले भी कहा कि इट्स नॉट अबाउट हम किसी पॉलिटिक्स या किसी इंसान पे पॉइंट कर रहे हैं मैंने ये कल भी कहा कि अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी करप्ट होते सो वो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा हाँ या एक्चुअली निशी सर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे एक फिल्म जरूर देंगे एज एन एक्टर तो मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ उनका अरे वो तो बहुत दूर निकल गई अब तो वो बहुत दूर निकल आते हुए कर लेंगे यार सॉरी नहीं मैंने नहीं देखी मैं फिल्म देखने ही आया हूँ देखिए इरफान सर हैं और निशिकांत कामत जैसे डायरेक्टर हैं तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट दैट ए रियली गुड फिल्म हाउ आर यू डूइंग सब पॉलिटिशियन को दिखानी चाहिए जो उनकी फिल्म का टैगलाइन है कि देश सो रहा है ये बहुत जरूरी है कि सब लोग जाने इस बारे में कि देश को जगाने का वक्त आ गया है थैंक यू मैडम यहाँ पे एक सर लेफ्ट में सर है भाई सर
सर यहाँ पे हम सर यहाँ पे ले बंद बंद इधर 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 बंद कर सोलो इधर सोलो बस सेंटर में कर सर यहाँ पे सर बात सर आज लेफ्ट साइड सर यहाँ पे सर राइट साइड सर सामने यहाँ पे सर सही है राइट सर लेफ्ट 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 सर लेफ्ट सर सामने एक क्लास सर एग्जैक्ट सामने हमने किसी को नहीं दिखाई नहीं हमने फिल्म किसी को भी नहीं दिखाई। हम चाहेंगे कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जहां सोनिया जी, मोदी जी, अरुण केजरीवाल जी, राहुल जी, अमित शाह जी सब मिलके एक ही हॉल में बैठ के अगर फिल्म देखें, हम चाहेंगे ऐसा माहौल बन जाए। कोई भी फिल्म देखे जाए, हमारी देखें, किसी की भी देखें। होता था ना ऐसा, होता था पहले मतलब ऑपोजिशन वाले लोग आपस में मिलके बैठते थे, डिस्कशन करते थे, ऐसा होता था ना। तो ऐसा माहौल और बन जाए तो अच्छी बात है। कुछ ऐसी बातें चल रही है आपके प्रोडक्शन इस तरह से एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कि सब साथ में? नहीं नहीं, हम तो विश कर रहे हैं। और आगे अभी कल परसों से स्क्रीनिंग्स करना शुरू की है एंड टच वुड अच्छा है रिस्पांस। एक्चुअली जो ये लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों गए मिलने के लिए पॉलिटिशियन से, क्योंकि ये एक तरह से एक्सटेंशन है हमारी फिल्म का। जो हमारी फिल्म बात कर रही है उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि फिल्म में आप इतना लंबा डिस्कशन नहीं दिखा सकते हैं। फिल्म एक कहानी होती है, उसमें एक मुद्दे को आप छू सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इमोशनली, लेकिन ये सब बातें नहीं हो सकती हैं। तो ये सब बातें जो फिल्म करते वक्त और उसके पहले और उसके आसपास जो आपके सवाल उठते हैं, तो हमें लगा कि ये इस फिल्म की कहानी को एक्सटेंड करना होगा, तो हमने वही किया। क्योंकि कोई है ही नहीं और इस फिल्म के अंदर, और क्या होता है कि आप इस फिल्म में थोड़ा सा ये है कि आपकी ओपिनियन मैटर कर रही है। वाकई पहले जो भी फिल्म करते हैं उसमें और भी लोग होते हैं और टीम जो है उसको पूछते हैं हम कि ये ऐसा क्यों करें, बोलते हैं कि इसलिए करो, तो हमारा एतराज़ होता है तो भी नहीं माना जाता, जो बोलते हैं हम करते रहते हैं। इस फिल्म के अंदर क्योंकि ये हमारी फिल्म है, इसमें हम भी पार्ट प्रोड्यूसर हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो कुछ ओपिनियन मैटर कर रही है हमारी, तो इसलिए शायद स्केयर्ड। ओह दैट्स अ ह्यूज थ्रेट, दैट्स अ बिगेस्ट थ्रेट, हॉलीवुड से ही बड़ा थ्रेट जो है पायरेसी का है, और ये ऑनलाइन जिस तरह से लीक हो रहा है। आई विश इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑफ डिफरेंट रीजन्स कैन कम टुगेदर एंड पुट काइंड ऑफ आस्क द गवर्नमेंट दैट वी नीड इट टू स्टॉप। यार प्रोड्यूसर्स को बोल रखा है कि भाई आप केयरफुल रहिए, तो रहे ले रहे हैं, कुछ होते हैं प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन कितना वर्क करते हैं मुझे पता नहीं उसकी टेक्निकलिटी। आई एम रियली थैंकफुल एंड मेरी फिल्म जो है कबाली के साथ भी रिलीज हो रही है, उसके लिए मैं बहुत ऑनर्ड हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने दोनों पोस्टर एक साथ देखे, रजनीकांत जी का और मेरा एक साथ लगा हुआ, तो मुझे लगा कि रजनीकांत जी मेरी फिल्म को आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे लिए इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं है कि मेरा ही पोस्टर लगा हो, रजनीकांत साहब का ही पोस्टर लगा हो। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए नहीं होगी। हाँ मेरी मैडम, मतलब मेरी मैडम कौन? हाँ क्या आपको क्या लगता है कि वो मुझे सुबह उठ के कच्छा पहनाती है, ये पैंट पहनाती है और बोलती है कि मेरे बाल ऐसे करो टेढ़े करो? ये तो ऐसे ही है, बहरूपिय लोग हैं हम लोग, बहरूपिय लोग रंग बदलते रहते हैं अमित जी।
मिलन ना मिलन राइट अरे भाई सर कैसे हो आप कैसे आप इधर आ जाओ ना सर मैं आपसे बात करूंगा कितना मजा आएगा देखिए मैं निशिकांत कामत को बहुत पसंद करता हूँ एज अ डायरेक्टर मुझे लगता है कि उनकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ बहुत थॉटफुल होता है उनकी बहुत सारी फिल्में मैंने बहुत इन्जॉय की हैं निशी की तो मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आई थिंक इट विल बी अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग फिल्म इरफान इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एक्टर ऑफ आर टाइम्स एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग फिल्म विद इरफान so I don't know much about this film luckily I don't know much about this film and I'm really looking forward after it's over I can tell you how it was bina aapki bhi agar film ki agar hum baat karein usne announcement kar diya hai ki main aapke saath film kar raha hu aise koi announcement to kiya nahi hai usne aapka naam lekar ki main unke saath film kar raha hu so we just want to know more about it you know who's the leading lady I'm going to ask him what he said and confer with him and then I'll come back and I'll tell you it's my promise it's a very sad thing I feel piracy people do not understand what kind of a serious crime it is the audience that does indulge also in piracy does not realize how it is hurting those people the actors the directors the movie makers that it loves they should really think about it I don't know what will happen whether theaters will be shut or not but I do feel that piracy is very very harmful for the film industry and people should realize that एक्चुअली सर ऐसा है कि फिल्मों का ऐसा होता है ना मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ इस फिल्म का और एक मिली भगत में एक प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ आएंगे तो बेटर होगा तो मैं आउट ऑफ टर्न कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ यार फिल्म के बारे में आई एम वेरी सॉरी थैंक यू सर वेल इट्स इरफान सर की मूवी है तो अच्छी ही होगी क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ आई थिंक ही इज़ वन ऑफ फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव एंड आई थिंक मदारी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव बहुत ही इमोशनल है सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ गुड मूवी फेवरेट पॉलिटिशियन मैन
मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं झूठ झूठ कुछ भी नहीं बताना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि हाँ मुझे बहुत नॉलेज है. बट ये इरफान सर की फिल्म है और आई एम श्योर ही नोज कि उनको कैसे दिखाना है कैसे नहीं. सो आई थिंक वो डिसीजन हमको उन पर ही छोड़ना चाहिए. वो मुझे कैसे पता होगा, मैं सलमान खान थोड़ी हूँ, तो हमको सलमान खान से पूछना होगा. आज हम मदारी के लिए यहाँ पे आए हैं, हम मदारी के बारे में बात करेंगे. सलमान की शादी और वो सब के बारे में आप प्लीज़ सलमान से पूछना, मुझे कोई आइडिया नहीं. थैंक यू. वेल ऑब्वियसली इरफान सर तो इज समवन जिनको हम सब उनकी एक्टिंग से सीखने की कोशिश करते हैं जितना हो सके. एंड आई रियली लव हिम एज एन एक्टर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फिल्म. ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस मीनिंगफुल फिल्म. एंड आई एम बैक इन फ्रंट ऑफ यू गाइस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. It was amazing. I was really like, it was hectic because I mean I've never been away for so long from home, 2.5 months at least, 2.5 to 3 months, which was the longest, my longest stayed abroad. But it went really well. Very good stuff we shot. 70% of the film is done. So yeah, of course it felt very good. Yes, ek do baar mein. I'm very injury prone. I'm very clumsy. So yeah, I keep falling on the fence. But उस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, बिकॉज बारिश हो रही थी एंड आई वाज रनिंग सो फास्ट. That's very sad. It's very sad for our industry and we work very hard. But I think it's violating and people should stop doing it. But don't you think the process continues that the cable producer won't be producing any of the movies? It's not that theaters will be shot and we won't be producing films, but then there will be internet films, I guess. Well, that's a very long subject and very vast subject. But the thing is that this sort of stealing is not acceptable in any society. And make sure that we don't encourage such a behavior and it's bad behavior. All right.
एंटरटेनिंग सिनेमा एंड आई होप सबको पसंद आए आज जो लोग देखने आए हैं बहुत दिलो जान से बनाई है बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है थैंक यू Thank you.
बहुत अच्छी फिल्म है इरफान अनडाउटेडली हैज डन अमेजिंग वर्क एंड एज अ स्क्रिप्ट निशिकांत हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब कांग्रेस फॉर द न्यू कार ओह थैंक्स इट्स नॉट न्यू एनीमोर बहुत अच्छी है सबका परफॉर्मेंस ऑफकोर्स इरफान इज फैंटास्टिक ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर और निशिकांत इज मेड अ वेरी गुड फिल्म एंड आई वांट टू विश देम ऑल द लक Well, the film is fantastic. I'm extremely overwhelmed. It's a film that's really necessary in today's time because our country as a whole is going through certain issues, and this film speaks about it in a very beautiful way. It speaks about different kind of relationships, and it's a beautiful, beautiful, beautiful film. And Irfan sir is fantastic, and I really want to congratulate the entire team, Nishikant sir, Jimmy Shergill, everybody, the Lil Kid, everybody was fantastic. Please go watch the film. It's really nice. बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है और आई थिंक इस साल की सबसे ज़रूरी फिल्म है सबको देखनी चाहिए एंड इट्स गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड अ वेरी 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 वेल मेड फिल्म इरफान सर जिमी सर निशिकांत सर सब ने बहुत आई मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एंड अ वेरी वेरी गुड फिल्म वेरी गुड फिल्म थैंक यू It's a fantastic film and Irfan Khan is a fantastic actor. Apart from him, I think everybody in the film is really good. Jimmy Shergill was very good. Of course, we have to mention the director, Nishikant, has done a fantastic job. The editing was crisp. The whole film was really, really good. Entertaining. You guys should catch it on Friday. फिल्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी बहुत हार्ड हिटिंग थी एंड बहुत ही अच्छी फिल्म है आई थिंक सभी को जाके देखनी चाहिए इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड इरफान सर एज यूजुअल इज माइंड ब्लोइंग एंड राइट नाउ आई एम अ लिटिल चोक्ड फॉर वर्ड्स सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट थैंक यू बाय बहुत कमाल है ऐसा लगता है कि कभी किसी ने बोलना चाहिए कभी किसी ने उठाए सवाल कभी कोई जवाब मिले ना मिले लेकिन सवाल उठाने चाहिए और एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे इसमें कि कहते हैं कि अगर रिवेंज लेना है आई फॉर एन आई और उससे फिर डैमेज ज़्यादा होता है और टेम्परेरी जवाब मिलता है पर उससे जो इम्पैक्ट होता है वो सालों चलता है तो मेरे ख्याल से इसको दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छी फिल्म बनाई और इरफान खान हमें मिला है हमारी फिल्मों में वो काम कर रहा है मुझे लगता है वो आई एम फॉर्चुनेट टू सी इन माई टाइम सच अ फाइन एक्टर ओके एंड निशिकांत अहमद ऑफ कोर्स मेक अ ब्रिलियंट फिल्म ऑल द वेरी बेस्ट प्लीज एवरी आई डोंट लाइक टू से दिस बट एवरी इंडियन मस्ट सी दिस एंड एवरी
मूवी वॉचर हैज टू Yes. It's brilliant. It's very moving, very relevant. And Irfan sir is he's beyond brilliance. He's so amazing in the film. Yes. Thank you. He was missing you a lot. मुझे बहुत अच्छी लगी. आई थिंक बहुत रेलिवेंट फिल्म है और आंसू निकले. बहुत बहुत इमोशनल है और इरफान सर इज आउटस्टैंडिंग. ही इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. ओह थैंक यू. थैंक यू. शादी तो बहुत दूर की बात है. अभी तो हमने खुद ही नहीं सोचा उस बारे में. बहुत अभी हमने खुद ही उसका नहीं सोचा. अभी हम दोनों अपने करियर में फोकस हैं. अपने अपनी फिल्म से मेहनत करनी है. इतने इरफान सर जो हमें इंस्पायर कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से, हमको भी अपना अच्छा काम करना है. अभी आगे आडो आगे आडो. तुम लिए सर सर इधर बैठो. इरफान भाई पर देख साहब जनाब एक सहयोग मान लो. इरफान शाहरुख सर यहां पे. शाहरुख सर यहां पे. सेंटर सेंटर सर सर इधर इधर इधर. शाहरुख सर शाहरुख सर सर लाइव पर शाहरुख सर. थैंक यू डार्क पिंक ले लिया. आप आ गए. आप सर हाउ इज द मूवी सर. शाहरुख सर कैसे चुका हूं कमेंट यार. मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस किए. मैं परसों देखूंगा फिल्म घर में, क्योंकि मुझे निशिकांत और इरफान ने बताया कि बच्चे के साथ देखना बहुत ज़रूरी है. सो आई विल सी बिकॉज अ फादर सन रिलेशनशिप फिल्म. एंड बाकी जितने भी लोग निकले उन्हें बहुत पसंद आई. तो परसों में ज़रूर देखूँगा. पायरेसी शुड नॉट हैपन इग्नोर. क्या इसे डीप क्वेश्चन मत पूछ रहा मुझसे. आराम से सिंपल क्वेश्चन बोल रही. सेकंड क्वेश्चन टू यू वाज सर देयर इज अ प्लान बिटवीन रईस एंड सर ताबिल सर और देयर कैन बी कोई. जैसा मैंने कहा थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. मुश्किल क्वेश्चन मत पूछ. मुझे क्या लगता है मैं ऐसे बातें करूंगा तुझसे अभी. हम क्या चांस इसका चांस क्या बता रहे मुझे. हैप्पी दिवाली एवरीवन. हैव अ गुड टाइम. हैप्पी. थैंक यू. बहुत अच्छी लगी एंड इट्स वेरी टचिंग फिल्म. वेरी नाइसली मेड एंड ऑफ कोर्स इरफान खान. आई कांट से इनफ फॉर हिम. आई थिंक द वे ही एक्सप्रेसेस हिज आईज. आई थिंक दे आर सो एक्सप्रेसिव दैट यू कैन एक्चुअली स्टे ऑन हिम फॉर वेरी वेरी लॉन्ग एंड यू कांट गेट बोर्ड. एंड द केमिस्ट्री बिटवीन द किड एंड इरफान सर कैरेक्टर इज आल्सो अमेजिंग. इट्स वेरी क्यूट एंड आई लव द एंडिंग आल्सो. सो आई जस्ट लव इट. तुमने क्यों नहीं देखी. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ. तुम ये घर है इतनी देर. आप भी देख लेते. आपको भी पता चल जाती. मैं कब दिखाऊँ आपको फिल्म. ओके मैडम. नहीं नहीं आपको हम वैसे बुलाएंगे. आपकी स्क्रीनिंग करवाएंगे. बताइए क्या आपको कैसी लगी मदारी फिल्म. बताइए ये प्रोड्यूसर इनसे क्यों पूछ रहे. तारीफ भी करेंगी यार. ये
पर्टिकुलरली ये स्क्रीनिंग आज जो थी मेरे लिए बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई है। शाहरुख साहब आए, अभी जी आए, संजय साहब, सब लोगों ने आके मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे को पर्सनली लोगों ने फेवर किया है एंड इतना ऑनेस्ट लोगों का रिएक्शन था, आई एम फीलिंग रिलीफ। मुझे लग रहा है कि मेरा जो इतना सालों की मेहनत थी वो उसका उसका मुझे थोड़ा फल मिला। मैं सब मैं रियली सबके लिए मैं बहुत एहसान मंद हूँ और उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इरफान साहब अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। ये पूछ ही रहे हैं कि आपका स्टाइलिश हो जा रहे हैं, आप ये जो बना रहे हैं तो आपकी बीवी सुबह बैठ के आपको मतलब चट्टी वट्टी पैंट पैंट आप वही पहना थी पूछा था इन्होंने। स्टाइलिश होने में बुराई तो नहीं है ना, पर मैं तो बचपन से स्टाइलिश हूँ। होमी सर के साथ मैं यहाँ एक छोटा रोल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मेरी इच्छा है आप लोगों की फिल्म बना रही और ये इच्छा मेरी कल बहुत झांकी क्योंकि आप लोग जिस तरह से काम करते हो और जितना आप लोगों पर प्रेशर होता है। मैं कल एक बच्ची आई थी जो 11:30 बजे आई, मीडिया खत्म हो गया था 9:30 बजे, सबने फोटो उठा दे दिए थे। वो बच्ची बेचारी उसको बाइक चाहिए वो 11:30 बजे आई और मैं उस वक्त थोड़ा किसी और मूड में था और वो जिस तरह से मुझसे आग्रह कर रही थी कुछ भी दे दीजिए आप कुछ लाइन तो बोल दीजिए, मुझे जो उसकी मजबूरी दिखी ना मुझे लगता है इसमें एक फिल्म छुपी हुई है और अगर कोई और ना बनाए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा आपके बस और हाँ आपको भी करेंगे। हाँ ये भी थी, ये भी थी और एक और थी हाँ मुझे याद है एक बार मैं जब एंजेलिना जोली के साथ फिल्म कर रहा था तो किसी बच्ची का पूरा सी फोन आया और वो टाइम काफ़ी काम करते हैं और मैंने जल्दबाजी में बोल दिया कि मुझे उतना तमीज़ है नहीं कि किसको हाँ बोलना है किसको ना बोलना है, मैंने कहा दे दूँ। मैं 4 दिन बाद उनका फोन आया एंड वो लिटरली थका हो के रो रही थी कि आपने बोला सब मुझे करने के लिए आपने मुझे नहीं दिया इंटरव्यू, रो तो नहीं है। देन धीरे धीरे समझ में आया कि जिस तरह प्रेशर होता है वो उसमें कहानी है बनाएंगे कभी। आएगा तो बताऊंगा मेरे भाई, इन्फर्नो आने वाली है अक्टूबर में, पहले वो देखिए उसको हजम करिए उसके बाद नया मैं देखूंगा, मैंने अभी तक देखा नहीं एंड मेरी उसकी विशेष है पूरी, आई होप यू नो शी सक्सेसफुल एंड शी वहाँ जैसे उन्होंने जहाँ झंडे गाड़े वैसे हॉलीवुड में भी झंडे गाड़े। थैंक यू सो मच। मुझे भी मैं अभी इसको बोल रहा था कि अभी मैं एनालिसिस करने के औकात में नहीं हूँ। ऋषि की ये फिल्म देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा हिल गया हूँ, इतनी ऑनेस्ट फिल्म, इतने सच्चे दिल से बनाई हुई फिल्म है ये एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट एवरी पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। इट्स ट्रूली द राइट मैसेज, इट्स द मोस्ट रेलेवेंट मैसेज दैट एनी फिल्म कैन पास एंड आई एम वेरी प्राउड टू स्टैंड हियर विद निशिकांत टुडे। I've always been very proud of him and today I feel really proud of this director. He's a friend of mine. Irfan, Shailaja, the writers of this film, the director of course, everybody needs special congratulations. I encourage everyone to see this film because it's the honest truth, as honestly told as possible. A lot of pains have been taken to make Madari. And it has been made for all of you. Please watch this film and you will know what I mean. So Nishikant sir, any compliments to Mr. Bachchan, Shahrukh was here, sir, anything you would like to say with all of you? No, I just felt honored and humbled with the whole experience that Shahrukh was here, Amit Ji was here, Imtiaz was here. And sabhi logo achhi lagi hai, to haan, koshish hai ki hai, humne honestly. And, जो दिल से बनानी थी बनाई, बाकी बाकी आई एम वेरी हैप्पी दैट दे ऑल लाइक द फिल्म। थैंक यू सर। पायरेसी
it's an unfortunate thing. It should have never happened in case of what has happened in past 2-3 films. But some other day we should be speaking about it. Right now, we are happy to have made a decent film, and such great people have come here to watch it and they've liked it. I'm more than glad, I'm more than honored, I'm more than humbled. Thank you, sir. Thank you, sir. So, will you get to see a combination of I don't know how two directors can make a film. It's very difficult. I can cast him. He also has this slight keeda for acting, I think. Keeda, okay.